अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जनाब मलिक एजाज मोटा के फार्म पर मौजूद हैं, एजाज फ्रूट फार्म पर। और ये इनका जो एसटीएस में हमने कन्वर्ट किया था 22-27 पे लगा हुआ था आर्चर्ड, तो उसको हमने लाइन टू लाइन 13.5 फुट कर दिया था और प्लांट टू प्लांट जो है वो 4 फीट कर दिया था। तो आपको दिखाते हैं कि इस वक्त इस आर्चर्ड की क्या कंडीशन है। सामने हमारे पास एक दरख्त है जिसको हमने हेड डाउन किया था, कुछ बड़ा दरख्त था तो इसे हमने 10 फुट की हाइट पर कर दिया था। उसके साथ ये जो नए पौधे हमने लगाए थे वो भी आप देख लें, इस वक्त उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त किस्म की फ्रूटिंग है। ये 12 नंबर अटोल का है पौधा और ये 64 का है, इस पर भी आप देख लें। ये हमारा सिंदड़ी का है जिसको हमने टॉप से उसकी टॉपिंग कर दी थी। टॉपिंग करने से आप ये देखें कि कितना ज़बरदस्त जो फ्रूट है वो अंदर आपके नज़र आ रहा है। और इसके ये चारों तरफ पर ये फ्रूट मौजूद है। ये सिंदड़ी है और सिंदड़ी का ये फ्रूटिंग आप देख लें। और इसी तरीके से हमारे पास जितने भी ये है, यहाँ पर तकरीबन 500 पौधे हैं एकड़ में। और ये छोटे जो हमारे जो एसटीएस के जितने भी पौधे थे इनके ऊपर अब ये फ्रूट आ गया और ये इनकी हेज भी बनती जा रही है। इस तरफ भी ये देखें, ये छोटे पौधे हैं तो ये हर पौधे के ऊपर आप समझें भी 5 से 7 किलो फ्रूट मौजूद है। और ये ज़ाहिर है जब हम इसकी प्रॉपर कटिंग करेंगे और प्रूनिंग करेंगे तो ये फ्रूट जो है ये बढ़ता जाएगा। इस एक एकड़ से हम लोग इस साल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन हम 10 लाख रुपए की इनकम जो है सिर्फ इस एक एकड़ से हम ले लेंगे। ये आप देखें, ये सफ़ेद 64 है और ये सिर्फ 7 फुट का पौधा है। और 60 फुट के पौधे पे आप इसकी फ्रूटिंग का पैटर्न देख लें, कितना ज़बरदस्त पैटर्न है, कितनी अच्छी फ्रूटिंग है। इसके साथ ये 12 नंबर अटोल है और उस पर भी आप फ्रूटिंग आप देखें, ये कितनी अच्छी है। ये छोटा सा दरख्त है और इसके ऊपर भी फ्रूटिंग जो है कई दरख्तों पर बहुत अच्छी है। ये फिर हमारे पास फैज 64 आ जाता है, इसकी ये फ्रूटिंग देख लें। ये हमारे पास 12 नंबर अटोल है, इसकी फ्रूटिंग देख लें। ये रट्टे वाला का है पौधा, इस साल रट्टे वाले पे फ्रूटिंग कम थी लेकिन फिर भी बेहतर है। चलें कुछ न कुछ जो है वो फ्रूट लगा हुआ है। ये साल जो है फ्रूटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा साल नहीं था लेकिन जो हमारा स्मॉल ट्री सिस्टम है उसमें भी कुछ पौधे ऐसे हैं जहाँ पर 5 से 6 मन जो है वो फ्रूट छोटे से पौधे पर लगा हुआ है। और ये आपको यहाँ भी दिखाएंगे कि यहाँ पर ये फ्रूटिंग की क्या पोजीशन है इस रो में। तो ये माशाल्लाह से हमारे पास अब हम इसको एक प्रॉपर तरीके से इसकी एक दफ़ा टॉप और साइड प्रूनिंग करेंगे तो ये हमारा एक मुकम्मल जो है वो सिस्टम में आ जाएगा कि हमने अपनी हेज कितनी रखनी है, तो उसके लिए हमने क्या करना है और हमने एलीवे कितना रखना है। यह हमारे पास सफ़ेद 64 है। आप सफ़ेद 64 का ये देखें, इसके पत्ता देखें कितना ज़बरदस्त है साइज़ इसका, और इसके फ्रूट का साइज़ भी देखें कि फ्रूट का साइज़ माशाल्लाह इस वक्त तक भी 400 ग्राम जो है वो ये गेन कर चुका है और अभी मज़ीद इसमें साइज़ में इजाफ़ा होना है।
तो ये हमारे पास यहाँ ये रट्टे वाला है, अजीम चौंसा। ये इसकी इस तरफ से हैज बन गई है, ये आपको हैज दिखाते हैं। ये हैज है, ये नीचे आप देखते जाएं, ये हमारी हैज कंप्लीट हो गई है। तो ये हैज रो सिस्टम है। तो मकसद ये है कि हमने इस साल इस आर्चर्ड को मज़ीद इसकी टॉप प्रूनिंग भी करनी है, साइड प्रूनिंग करनी है, और फिर अगले साल भी हम इसके आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे। और इंशाल्लाह इस साल हम कैलकुलेट करेंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 मिलियन की इनकम जो है इस कंडीशन में भी हमें होगी। तो इसका मतलब ये है कि जब ये फुली डेवलप हो जाएगा आर्चर्ड, तो फिर इंशाल्लाह इनकम भी अच्छी होगी। और इस साल हमारा थोड़ा सा साल भी जो है वो कमज़ोर गया है, क्योंकि फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन उसी हिसाब से क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्रूट शेडिंग भी हुई है, और फ्लावर जो है उसकी फ्रूट सेटिंग भी कम हुई है। तो मुझे इजाज़त दें एजाज फ्रूट फार्म से। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।